क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता जी, क्या मामला है, आप पूरे कोर्ट में आए हैं आज? एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो जेल में है अभी, सजा हुई थी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? राजकुमार उर्फ राजू पहलवान है। जी, जी। वो अभी जेल में ही है, उनके आधीन अभी यहाँ पे चल रहा है उनका मामला। लेकिन इसी बीच कल परसों मुझे न्यूज़ आता, परसों जो है उनके साथ अंतर मारपीट की गई जेल में। हाँ जी, जो कि जब जिसमें डिप्टी जेलर भी हैं और जो वहाँ के हेड हैं दलीराम नाम रामकिशोर बघेल है उनका, और 15-20 लोगों ने उन लोगों पर एकदम से हमला किया। उनको जब जेल बंद हो गई, मतलब सब लोग अपने बैरक में चले गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे उस दिन, यहाँ से गए हैं वो कोर्ट से, उसके बाद उनको ले जाके और उनको मारा पीटा गया। उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हुई है उनको, मतलब मैं अभी खुद से मिल के आई हूँ उनसे, हेड पे उनके मतलब स्टिचेज है और गाल पे भी है, कान के पीछे भी चोट है, पूरी बॉडी पे उनके इंजरीज है, जबकि उनका कोई ना तो सीसीटीवी स्कैन कराया है ना कुछ कराया है, और उनको वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं जो कि स्टॉप नहीं हो रही है। कहने का मतलब जान से जान का खतरा है, जान का खतरा है, डेफिनेटली है। आपने इस विषय में कप्तान साहब या डीएम को याचिका या वो पत्र दिया? जी, देने जा रही हूँ उनको, अभी मैं उनसे ही अपने हस्बैंड को ही देख के आई हूँ। परसों तो मुझे नहीं, मतलब कल शाम को मुझे नहीं मिलने दिया गया उनसे, लेकिन आज जब मैंने ज़्यादा प्रेशर राइज करा तो मुझे मिलवाया गया उनसे। कौन सी जेल में है आपके हस्बैंड? दास में जेल। वकील साहब, एक मामला है आपके पास जेल में कैदी के, तो कैदी के साथ मारपीट की गई है, क्या मामला है? मामला ये है कि ये राजकुमार उर्फ राजू पहलवान जिला कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध है। गज्जी भाटी के मर्डर के केस में दौरान विवेचना प्रकाश में नाम आया था और निर्दोष अभी तक आरोप भी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन दिनांक 10/7/2018 को ये शाम को यहाँ पेशी पे आया था। पेशी पे जाने के बाद में 9 तारीख से पहले से ही जो जिला कारागार अस्पताल है उसमें लूज मोशन की वजह से इसको भर्ती किया गया था, लेकिन 10 तारीख में करीब 8:30 बजे एक बंदी रक्षक है रामकिशोर बघेल, उसके द्वारा इसको हॉस्पिटल से खींच के लाया गया, और वहाँ से लाने के बाद में एक गुमटी है जहाँ कैमरे की निगरानी से बचा जा सकता है, वहाँ पे लाके इसको डिप्टी जेलर एस के सिद्धार्थ और कुछ मुलजिम जो सजायाफ्ता ऑलरेडी पहले से ही बंद हैं उनके द्वारा, जिनके नाम है अनुज जाहिद और हिमांशु, और इन लोगों द्वारा इसको ये कहा गया कि तेरी मौत का सामान जेल में आ चुका है और तुझे भी जैसे मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में हमने पैक कर दी करवा दिया था, इसी तरह से तेरे भी शव को पैक करा के यहाँ से भिजवा देंगे, और उसके साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया। कोई षड्यंत्र लगता है इसके पीछे? षड्यंत्र प्रथम दृष्टा मामला ये है कि राजू पहलवान की जो पत्नी है उसके द्वारा अपने पति को बार बार निर्दोष होने के संबंध में, घटना के समय पे राजू पहलवान मौजूद नहीं था घटना में, बल्कि वो पलवल में रेड रॉक मॉल में था और उसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी थी, जिसकी मांग बार बार उसकी पत्नी अदालत से कर रही थी। तो प्रथम दृष्टा मामला लगता है कि वादी पक्ष के शय पे ये कि राजू को जान से ही मार दिया जाए, लेकिन क्योंकि बंदी काफ़ी इकट्ठा हो गए थे उसने शोर मचा दिया इसलिए इसकी जान बच गई। आज जो राजू पहलवान की घरवाली है वो मुलाकात करके आई है तो पता लगा कि मौत से जूझ रहा है और उसके सर में स्ट्रेचिंग है, उसके गालों पे स्ट्रेचिंग है, उसकी कमर में, और आज तक भी जेल प्रशासन द्वारा कोई मेडिकल रिपोर्ट अदालत के मांगने के बावजूद भी आज तक पेश नहीं की गई है। तो मामला लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेल प्रशासन इन्वॉल्व होते हुए इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये गैरकानूनी है। किसी भी बंदी पे यदि उसके द्वारा कोई गलती की गई है बंदी के द्वारा, तो भी जेल प्रशासन को अधिकार है कि वो सीसीटीवी फुटेज डिस्क्लोज करे पब्लिक के सामने, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। कौन सी जेल में है? ये जिला कारागार गाजियाबाद में ये निरुद्ध है और फिलहाल जेल अस्पताल में भर्ती बताया गया था, और अभी भी स्थिति का ये नहीं पता है। हमने मांग की गई है कि उसको गाजियाबाद MMG जिला अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि उसका उचित इलाज हो सके और उसकी सुरक्षा को कड़ी किया जा सके।